गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पिछले दोनों वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा, समझा भी होगा। उसी क्रम में आज हम उसके तीसरे पहलू की चर्चा करते हैं और आज की क्लास में मुख्यतः हम अशोक के धम्म नीति के बारे में बात करेंगे। अशोक की धम्म नीति न केवल मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में बल्कि आप देखेंगे कि प्राचीन भारत में जितने भी नीतियाँ हुई या जितने भी शासक हुए, धम्म नीति एक अपने मामले में विशिष्ट थी, स्पेसिफिक थी। तो जाहिर सी बात है, धम्म नीति का मूल्यांकन एक विशेष अपेक्षा करेगा। तो हमें धम्म नीति के संदर्भ में किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए, आइए हम पहले आज की क्लास की मोटो बताते हैं कि धम्म नीति को हम लोग किन बिंदुओं पे या किन संदर्भों में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो अशोक की धम्म नीति है, सबसे पहले तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि पृष्ठभूमि क्या थी या उद्देश्य क्या था। आप अगर पृष्ठभूमि को समझते हो तो उद्देश्य भी बेहतर ढंग से समझ सकते हो। दूसरी चीज, इस धम्म की नीति के तत्व क्या थे और इसके स्रोत क्या थे, यानी धम्म नीति में किन किन बिंदुओं का समावेश किया गया था, यही तत्व हुआ। और कहां से लिया गया था, यह भी एक चर्चा का विषय होना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद हम स्वरूप की बात करेंगे, स्वरूप क्या था इसका। नेक्स्ट पहलू हम देखेंगे कि धम्म नीति के प्रसार के लिए, धम्म नीति के प्रसार के लिए किए गए प्रयास, धम्म नीति के प्रसार के लिए किए गए प्रयास। फिर हम ये देखेंगे कि क्या यह सफल रही या असफल रही, और फिर अंत में हम ये देखेंगे कि क्या मौर्यों के पतन में ये जिम्मेदार थी, पतन के लिए जिम्मेदार था। पतन के लिए जिम्मेदार थी। हमें धम्म नीति को इतने संदर्भों में देखना चाहिए। क्लियर? एक एक बिंदु को उठाते हैं। अगर हम बात करें अशोक के धम्म नीति के पृष्ठभूमि की और उद्देश्य की, पृष्ठभूमि और उद्देश्य दोनों की, जाहिर सी बात है कोई भी साम्राज्य होगा उसका जो पहला उद्देश्य होता है किसी भी पॉलिसी का, वो ये होता है कि वो साम्राज्य को किस तरह से मजबूत करे। साम्राज्य मजबूत करने के लिए लाई गई। आइए जरा इस बात को ओपन करेंगे अभी। मजबूत करने के लिए क्या क्या कंडीशन थी, जरा समझिए। वास्तव में छठी शताब्दी ईसा पूर्व से, जिसे आप बौद्धिक क्रांति कहते हो, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग आपको 362 संप्रदायों की सूचना मिलती है। 362 संप्रदायों की, अधिकांश इसमें नास्तिक थे, जिसमें बौद्ध, जैन, आजीवक, है ना, बहुत सारे ऐसे लोग थे। और ये 362 संप्रदाय, हर संप्रदाय अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता था। और जब सर्वश्रेष्ठ मानेगा तो धार संघर्ष होगा और तनाव होगा। याद रखिएगा, धम्म के नीति के पृष्ठभूमि पर भी पूछा जा सकता है, है ना। हमेशा प्रश्नों के नए डायमेंशंस रहेंगे। और आपको बताऊं, क्लासेस के दौरान अभी आपको हम पहले दो स्तरों की बात कर रहे हैं कि तथ्य को समझिए, इतिहास के प्रति समझ को डेवलप करिए, जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में बताया था। और फिर इसका जो सेकंड लेवल होगा वो इस पर क्वेश्चन आंसर सेशन की भी चर्चा हम लोग अपने लास्ट वीडियो में करेंगे कि इस समझ से हम कैसे प्रश्नों को हल करेंगे, खास करके यूपीएससी के सवाल को।
स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के भी सवाल देखेंगे, आप खुद देखेंगे कि सर ये आसान है। तो पृष्ठभूमि को समझने के लिए समझिए कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व, भाई तीसरी चौथी इनकी ही थी शताब्दी ईसा पूर्व, तो ये तनाव की प्रवृत्ति मौर्य साम्राज्य में भी थी। और आप जानते हैं कि अगर धार्मिक तनाव हो और धार्मिक तनाव में प्रशासन निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्लियर है, तो निश्चित रूप से धम्म की नीति में इन तनावों का समाधान खोजा गया। जो समाज में धम्म नीति चल रही थी, जो समाज में धार्मिक वाद विवाद और तनाव की स्थिति चल रही थी, उस तनाव को खोजने का प्रयास किया गया, किसमें, धम्म नीति के अंदर खोजने का प्रयास किया गया। ठीक है, दूसरी चीज जरा इस संदर्भ पे सोचिए, अमूमन कम लोगों ने सोचा है। आप जानते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुई, एक तरह से भारत की जो वैज्ञानिक बाउंड्री है पश्चिमी से उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र तक, वो पूरा मौर्य साम्राज्य के अंदर आ गया था। यानी वर्तमान भारत से अगर तुलना करें तो उस समय मौर्य साम्राज्य में जो सुदूर दक्षिण तुंगभद्रा के नीचे वाला था और पूर्वोत्तर क्षेत्र छोड़ दिया जाए तो भारत का अधिकांश पार्ट हो चुका था। यानी आप ये कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य अपने राजनीतिक लक्ष्यों को लगभग प्राप्त कर चुका था, राइट। तो इस साम्राज्य को बनाए रखने के दो तरीके हो सकते थे। पहला, रक्त एवं लौह की नीति, यानी शक्ति के द्वारा, जैसा कि रक्त एवं लौह की नीति, जैसा कि अशोक के पहले के शासक थे उन्होंने किया, अशोक के पूर्व के जितने भी शासक थे उन सभी लोगों ने इसी पॉलिसी पे काम किया था। अशोक ने इसके अतिरिक्त एक अन्य विकल्प की नीति को भी देखा, और कौन सा देखा, वो ये देखा कि भावनात्मक या सांस्कृतिक एकता का सूत्र खोजा किसमें, धम्म नीति में, क्लियर है। कहीं यह उसकी कमजोरी का भी सूचक तो नहीं था, क्योंकि अशोक को सिर्फ एक कलिंग युद्ध देखना पड़ा था और उस कलिंग युद्ध में जितना नुकसान उसे उठाना पड़ा उसी के बाद उसने धम्म घोष की उसने धम्म की नीति अपनाई, भेरी घोष की नीति की जगह पर। 13वें शिलालेख में अशोक स्पष्ट कहता है कि इस भयंकर जनसंहार की वजह से उसकी जो क्या कहते हैं कि मन है वो विचलित हो उठा और फिर उसने भेरी घोष यानी विजय की नीति की जगह पर धम्म नीति को अपनाया। तो कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हैं अगर कि उसकी जो राजनीतिक या जो सैनिक कमजोरी थी उसको उसने इस पॉलिसी से कवर अप करना चाहा और करने में लगभग सफल भी रहा। हमारा ये कहने का निष्कर्ष कतई नहीं कि अशोक कमजोर हो चुका था, लेकिन अशोक ने रक्त एवं लौह की जो साम्राज्यवादी नीति होती थी उसकी वैकल्पिक नीति को खोजा, किसमें, सांस्कृतिक एकता के सूत्र में या सांस्कृतिक समेकन में सोचा, और धम्म नीति को उन बिंदु से भी देखा जाना चाहिए। क्लियर, उम्मीद करते हैं कि आपको यह बात समझ में आई होगी। फिलहाल आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के, धम्म के जो धम्म के तत्व है उनकी बात हम करें, अशोक की धम्म नीति के तत्व या स्रोत। पहले तो हम धम्म नीति की स्रोत की बात करेंगे। जाहिर सी बात है, पहले तो हम धम्म शब्द की हल्की सी चर्चा करें, स्रोत की हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो वास्तव में संस्कृत शब्द इसके समानांतर धर्म है। धम्म प्राकृतिक है, प्राकृत है, और धर्म जो है वो संस्कृत है। लेकिन जब आप धम्म के तत्वों की चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे कि धम्म नीति धर्म से व्यापक संदर्भों में प्रयुक्त की गई है। क्लियर है, फिलहाल याद रखिए कुछ बौद्ध ग्रंथ जरूर आपको मिल जाएंगे
कुछ बौद्ध ग्रंथों में इसकी सूचना है, जैसे राहुलोवाद सुक्त बहुत फेमस नहीं है आप कह सकते हैं, सिंहनाद सुक्त सूक्त सुत्त है, और राहुलोवाद सूत, सिंहनाद सूत और गेह विजय, ये तीन ऐसे स्रोत हैं जहां पे धम्म नीति के तत्वों को आप मिलेगा, लेकिन बहुत व्यापक रूप से नहीं है। इसलिए अशोक के धम्म नीति के तत्वों को अगर जानना है आपको, तो आपको पुरातात्विक स्रोतों पे जाना पड़ेगा, और पुरातात्विक स्रोत में भी स्पेशली अशोक के लेखों में जाना होगा। और आपको बताऊं, संभवतः यह प्रश्न जानता था वो अशोक, क्योंकि धम्म धर्म से इतना साम्य रखता है कि अशोक जानता था कि लोग धम्म के बारे में प्रश्न चिन्ह जरूर उठाएंगे, इसलिए उसने स्वयं इन अभिलेखों में प्रश्न उठाया है और उसको बताने का प्रयास किया है कि धम्म क्या है। आपको बताता हूं, इसके लिए दूसरा और सातवां स्तंभ लेख फेमस है, दूसरा और सातवां स्तंभ लेख है। दूसरे स्तंभ लेख में सीधे खुद अशोक ने इस प्रश्न को पूछा कि कियम चु धम्मे, हमने प्राकृत में लिखा, इतना आपको याद रहे तो आप लिख सकते हैं, यानी धम्म क्या है। और उसका जवाब उसने दिया कि जब धम्म क्या है इसकी बात चर्चा किया गया, तो बताया गया कि धम्म अपासिन्वे प्राकृत है। सब एक आध लाइन याद रखेंगे तो अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, अगर आप समकालीन शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं तो। अपासिन्वे बहुकायने दयादाने सचे सोचे साधवे माधवे च, एकदम फार्मूले की तरह से याद रख लीजिए, साधवे माधवे च। धम्म क्या है उसने स्वयं इस बात को बताया कि अपसिन्वे बहुकायने दयादाने सचे सोचे साधवे माधवे च। तो अपसिन्वे का मतलब क्या है? इसका मतलब है अल्प पाप। कितना व्यवहारिक समझ है कि पाप सभी लोग किए हैं, कर सकते हैं, अल्प पाप हो, कम पाप हो, यह अपेक्षा की गई। अल्प का पाप, बहुकायने मतलब बहुत कल्याण, दयाशीलता सभी लोग जानते हैं, दानशीलता। लेकिन दानशीलता का मतलब यहां कतई यह मत समझिएगा कि जो ब्राह्मण धर्म में दान देने की बात है वो नहीं। दान का मतलब यहां धम्म दान है, धम्म की नीतियों को दूसरे तक पहुंचाना है, इससे संबंधित है। सचे सत्यवादिता। सोचे का मतलब होता है शुचिता, मतलब हो गया पवित्रता। साधवे साधुता, और माधवे मृदुता, थोड़ा थोड़ा संस्कृत से भी मिलता जुलता है। साधुता क्या होता है? साधु का मतलब हो गया सरल, है ना, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए, यानी सरल व्यक्ति हो, जो काम की चीज हो उसे ग्रहण करे, अन्यथा प्रपंच में ना रहे। यानी धम्म की नीति में अगर आप कह रहे हो कि धम्म की नीति का पालन करना है, इसका मतलब है कि आपको इन तत्वों के प्रति क्या होना चाहिए, इन तत्वों के प्रति अनुकरणीय होना चाहिए, इन तत्वों का अनुकरण करना चाहिए। और आपको बताऊं, अशोक शायद समाज की या व्यक्ति की जो साइकोलॉजी है उसको बहुत अच्छे ढंग से समझता था,
और इसीलिए इन तत्वों के साथ साथ उसने बकायदे एक लिस्ट बताई कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यानी इन तत्वों के साथ ही क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी एक विस्तृत लिस्ट बताई उसने कि वास्तव में धम्म की नीति में उपर्युक्त तत्वों के साथ साथ आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या करना है, बहुत सामान्य सी बातें हैं जो आप लोग माइथोलॉजी में सुनते रहे हैं, माता पिता की सेवा करें। अगर आप बताइए इसको आप धर्म मानते हैं तो किस धर्म में नहीं है माता पिता की सेवा, है ना। तो माता पिता की सेवा करें, थेर शुश्रूषा यानी वृद्धों की सेवा करें, गुरु की सेवा करें, दासों के साथ उचित व्यवहार रखें, दासों श्रमिकों के साथ उचित व्यवहार रखें, उचित व्यवहार रखें, मित्रों के साथ संबंधियों के साथ अच्छे व्यवहार रखें, ये क्या करने में थे, डूज में थे कि ये चीजें होनी चाहिए। और क्या ना करें, ना करने के लिए भी उसने बताया कि प्राणियों की हिंसा ना करें, प्राणियों की हिंसा ना करें, क्रोध अभिमान ईर्ष्या, क्रोध अभिमान ईर्ष्या ये ना करें, निष्ठुर ना हो, आक्रामक ना हो, क्लियर है। ये सारी बातें कही गई कि किस तरह से अगर धम्म नीति का पालन करना है तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। अब आप जरा सोचिए कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है तो निश्चित रूप से ये धम्म के नीति के तत्व और सकारात्मक और विधायी और निषेधात्मक पक्ष हैं। धम्म की नीति के तत्व हो गए और ये निषेधात्मक पक्ष हो गया और ये विधायी पक्ष हो गया। तो अगर इन चीजों को कोई भी व्यक्ति अडॉप्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है तनाव की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। ये सामान्य आचार संहिता जैसा है, कॉमन एथिकल कोड है, सोशल कोड है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से समाज में या धार्मिक संप्रदायों में किसी भी प्रकार के संघर्ष की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। बात समझ में आ गई। तो धम्म की नीति के तत्व ये थे। अब सवाल इस बात का है कि धम्म की नीति का स्वरूप क्या था। वास्तव में बात बहुत अच्छी थी लेकिन धम्म नीति के स्वरूप के संदर्भ में लोगों में, इतिहासकारों में काफी मतभेद रहा। और आइए हम लोग देखते हैं कि वास्तव में इस धम्म नीति का स्वरूप अगर पूछा जाता है तो इसके विविध पक्षों को हमको कैसे जानना चाहिए। जैसे फ्लीट ने कहा कि यह राजधर्म है। अगर आपको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, राजधर्म पता होना चाहिए। आप जब लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे कि धम्म के स्वरूप में विभिन्न मत उभर करके सामने आए हैं। एक मत के अनुसार या कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह राजधर्म था। याद आता है फैक्ट तो अच्छी बात है, नहीं याद आता है तो भी तनाव की बात नहीं है। पहला जो मामला आया वो था राजधर्म था। मूल मुद्दा या ये है कि वास्तव में यह स्टेटमेंट सही है या नहीं है, राजधर्म था या नहीं था। तो पहले आपको जानना होगा कि राजधर्म होता क्या है। राजधर्म से तात्पर्य यह होता है कि राजा या उसके प्रशासन से संबंधित कर्मचारियों के लिए ही वो मैंडेटरी, वो बाध्यकारी होता है, वैसे नहीं होता है, क्लियर है। तो यानी राजधर्म का जो भी परिप्रेक्ष्य होता है आप ये कह सकते हैं कि राज दरबार से होता है और प्रशासकीय
अधिकारियों से होता है, प्रशासकीय अधिकारियों से होता है। यानी आपको अगर उस प्रशासन से जुड़ना है तो आपको उस धर्म का पालन करना होगा। आप जरा बताइए कि क्या राजधर्म था, क्या अशोक के धम्म की नीति सिर्फ कर्मचारियों के लिए थी या राजदरबारियों के लिए थी? नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभिलेखों को लिखवा करके सार्वजनिक स्थानों पर प्रयत्न पूर्वक लगाने का कोई मतलब नहीं था। जाहिर सी बात है, अशोक के धम्म नीति का जो आयाम था वो राजधर्म से ऊपर था और सभी लोगों की जनता के लिए था। तो हम इसका खंडन करेंगे। तो पहले आधार लिखेंगे और फिर बताएंगे कि इन आधारों पर ऐसा नहीं लगता कि ये राजधर्म रहा होगा। उसके बाद सेनार्ट, सेनार्ट और भंडारकर महोदय का मत एक साथ लेते हैं। सेनार्ट ने कहा कि यह बौद्ध धर्म था और इसी को मॉडिफाई करके भंडारकर महोदय ने कहा उपासक बौद्ध धर्म था, उपासक बौद्ध धर्म था। और इन लोगों का तर्क यह था कि अगर आप देखें तो जो धम्म नीति के तत्व थे वो बौद्ध ग्रंथों में मिलते हैं, इस आधार पर उन्होंने इस बात को कहा। लेकिन आप जानते रहिए, अगर हम सूक्ष्मता से विश्लेषण करें तो यह बात भी तार्किक नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, कोई भी बौद्ध धर्म है, जैसे हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म है, अगर आप रामायण की चर्चा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है राम और रावण की चर्चा तो करेंगे ही करेंगे। उसी तरह से बौद्ध धर्म की चर्चा अगर होगी तो जाहिर सी बात है कम से कम चत्वारि आर्य सत्यों की चर्चा होगी, है ना? बौद्ध त्रिरत्न की चर्चा होगी, बौद्ध त्रिरत्न की चर्चा होगी। आप देखेंगे कि कहीं भी चत्वारि आर्य सत्य या बौद्ध त्रिरत्नों की चर्चा नहीं की गई है। इसका मतलब है कि इसका बौद्ध धर्म से संबंध नहीं था। हाँ, तत्व ऐसे थे कि उसके तत्व केवल बौद्ध धर्म में नहीं बल्कि किसी भी दुनिया के धर्म में हो सकते थे, ठीक है? तो इस आधार पर आप नहीं कह सकते। एक दूसरी बात और भी थी, दूसरी बात यह थी कि अगर ये बौद्ध धर्म रहता तो बौद्ध धर्म के बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध विहार थे, तो धम्म नीति के प्रचार प्रसार में उनका हाथ, उनका साथ लिया जाता। लेकिन हकीकत यह है कि धम्म नीति के प्रसार में, धम्म नीति के प्रसार में बौद्ध संगठनों का सहारा नहीं लिया गया, बौद्ध संगठनों का सहारा नहीं लिया गया। इसका मतलब है कि हम इसे धम्म नीति के संदर्भ में नहीं कह सकते। उसी तरह से एक आया राधा कुमुद मुखर्जी साहब का है, राधा कुमुद मुखर्जी, नाम याद रहे ना रहे मत जरूर याद होना चाहिए। और इन्होंने कहा कि यह साझी धर्म, साझी सभी धर्मों की साझी संपत्ति है, साझी संपत्ति है, सभी धर्मों की साझी संपत्ति है। साझी संपत्ति का मतलब यह है कि कुछ बातें यहां से ले ली गई, कुछ बातें वहां से ले ली गई, तो ठीक है, यह बात मत गलत नहीं है। लेकिन जो साझा वर्ड है ना, वो खुद अपने आप में नकारात्मकता लिए हुए है, जैसे लगता है कि इसकी कोई मौलिकता ही नहीं थी, है ना? तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि विशेषता के पॉइंट ऑफ व्यू से माना जा सकता है, मूल प्रकृति यह नहीं थी, है ना? ये मौलिकता पे प्रश्न चिन्ह रखता है, यानी हम पूरी तरह से संतुष्ट इससे भी नहीं हो सकते हैं, जबकि हकीकत यह है कि धम्म नीति नितांत मौलिक थी और उसी मौलिकता के आधार पर ही धम्म नीति को हमको जानना चाहिए। ये उधार ली हुई साझी संपत्ति ऐसी बात नहीं थी। इसके बाद आपके रोमिला थापर की भी आती है। रोमिला थापर जी का कहना है कि यह है प्रशासकीय उत्तरदायित्व की नीति थी, प्रशासकीय उत्तरदायित्व की नीति थी। बात समझिए जरा इस बात को। इनका तो यहां तक कहना है कि धम्म नीति के द्वारा
अशोक ने अपनी प्रशासकीय आवश्यकताओं को और साम्राज्यवादी हितों को पूरा करने का प्रयास किया, ऐसा रोमिला थापर जी का मानना है। लेकिन अगर हम सूक्ष्मता से देखें तो आप कह सकते हैं कि धम्म नीति लाने से पहले अशोक की साम्राज्यवादी जितनी भी अपेक्षाएं थी वो लगभग पूरा कर चुका था। एक विद्रोह था, वो भी विद्रोह को भी दबाया जा चुका था, है ना। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, आप कह सकते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि यदि धम्म नीति होती, आप कह सकते हैं कि निःसंदेह धम्म नीति से राजनीतिक अपेक्षाएं पूरी होती, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, अपेक्षाएं पूरी होती, परंतु धम्म नीति के पहले ही अशोक अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर चुका था, इसलिए सिर्फ उससे कोरिलेट करने की जरूरत नहीं थी। तो फिर सवाल इस बात का होता है कि वास्तव में अगर ये सब कुछ नहीं था तो क्या था। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि धम्म नीति थी वो एक नैतिक आचार संहिता थी, इथिकल कोड थी। धम्म नीति एक नैतिक आचार संहिता थी, किसी एक पर्टिकुलर धम्म से संबंधित नहीं थी, एक कॉमन सिविल कोड था, ये मॉरल सिविल कोड, और जिसमें किसी भी कर्मकांड की अपेक्षा नहीं थी। और जब कर्मकांड नहीं था तो तनाव की कहीं कोई बात ही नहीं थी, है ना। अगर हम धम्म की नीति के सिद्धांतों को स्वीकार कर लें तो उसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि कर्मकांड के नाम पर उस पर कहीं विवाद हो। तो हम इसे एक एथिकल कोड कह सकते हैं, एक नैतिक संहिता मान सकते हैं, और यह एक ऐसी आचार संहिता थी जिसे मान लेने पर समाज में तनाव की कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी। श्योर है, क्लियर, इस बात को समझ में आ गई। तो धम्म के स्वरूप के इन जब भी अगर पूछे तो इन सारे पहलुओं पर चर्चा करते हुए, एक एक पॉइंट पर चर्चा करते हुए अंततः हम इस बात को लिखेंगे कि धम्म की जो नीति है वो जो है क्या कहते हैं कि एक नैतिक आचार संहिता थी, एक कॉमन सिविल कोड की तरह से था, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि वास्तव में इस धम्म नीति के प्रचार प्रसार के लिए या धम्म नीति के प्रसार के लिए अशोक ने क्या किए। धम्म नीति के प्रसार के लिए किए गए प्रयास, अशोक ने कौन कौन से प्रयास किए, अगर आप देखेंगे ना तो वास्तव में धम्म नीति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। राज्य की आंतरिक एवं बाह्य नीति में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। अभी हम आगे इस बात को और भी चर्चा करेंगे। मौर्यों की विदेश नीति का भी आधार धम्म की नीति भी रहा, और धम्म की नीति का मतलब यह रहा कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात कहा, जियो और जीनो दे की बात कहा, धम्म के सिद्धांतों को मानने के लिए प्रेरित किया। 13वें शिलालेख में उसने उन देशों की चर्चा किया है जहां पर उसने ये दूत भेजे थे धम्म नीति के प्रचारार्थ। तो जाहिर सी बात है बाह्य संबंधों का, विदेश नीति का भी आधार धम्म नीति हो गया। आप ये कह सकते हैं कि यह कौटिल्य की नीति का से यू टर्न था। क्यों? क्योंकि कौटिल्य की विदेश नीति जो थी, है ना, कौटिल्य की विदेश नीति क्या थी, उसमें साधन की पवित्रता पर बल नहीं दिया गया, साध्य प्राप्त होना चाहिए था। लेकिन जब धम्म नीति को प्राथमिकता दी गई तो साथ ही साथ साध्य के साथ साथ साधन की पवित्रता की भी बात कही गई। तो आप ये कह सकते हैं कि धम्म नीति कौटिल्य की विदेश नीति से कहीं ना कहीं तो यू टर्न के रूप में भी हमको दिखाई देता है। तो ये एक बहुत बड़ा डाइवर्जन है। आइए हम लोग बात करते हैं
सर्वोच्च प्राथमिकता बाह्य नीति को हम लोग जब करेंगे तो इस बात को फिर से पॉइंट आउट कराएंगे, आप इस बात को समझ गए या नहीं समझ गए, है ना। तो निश्चित रूप से धम्म नीति को विदेश नीति में बाह्य नीतियों पर भी प्राथमिकता दी गई, अभी हम चर्चा करेंगे। पहले आंतरिक स्तर पर देख लेते हैं कि धम्म नीति के प्रचार प्रसार के लिए उसने क्या काम किया। सबसे बड़ी बात, पहली चीज, अगर आंतरिक स्तर पर बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि उसने धम्म लिपियां खुदवाई, धम्म लिपियां खुदवाई। अभी आपने देखा कि धम्म के बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, सारे स्तंभ लेख आपने बताया, वो कहीं न कहीं से उसका जो मेन मोटिव था वो यही था कि धम्म नीतियों की चर्चा किया जाए, उन नीतियों की चर्चा आम जनता के बीच में किया जाए, तभी तो वह स्थानीय भाषाओं का उसने प्रयोग किया और उसे पढ़ करके जनता ना केवल उसे का अनुसरण करे बल्कि उसका भी अपना नैतिक उत्थान हो, उसका भी अपना कल्याण हो। तो निश्चित रूप से पहला काम तो इसने यही किया। दूसरी चीज, लोकोपकारी कार्य करवाया, लोकोपकारी कार्य, जैसे अस्पताल खुलवाना, बाग लगवाना, बाग लगवाना, कुएं खुदवाना, कुएं खुदवाना। और जब आपको ये पता होगा कि ये सब धम्म की नीति के तहत किए जा रहे हैं तो लोगों का आकर्षण धम्म नीति की तरफ बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। साथ ही साथ अगर आप देखें तो इसने अपने अधिकारियों को, चलिए इन्हीं लेखों से पता चलता है कि कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की, इसमें से सबसे प्रमुख तो था धम्म महामात्र। और आपको बताऊं, धम्म महामात्र अशोक ने यह दावा किया कि सबसे पहले धम्म महामात्रों की नियुक्ति उसी ने की थी अपने शासन के 13वें वर्ष। इसके पहले इस महामात्र नाम का कोई अधिकारी नहीं हुआ करता था। और इसका उद्देश्य, याद रखिएगा, इसका उद्देश्य यही था कि सभी धर्मों में सामंजस्य को स्थापित किया जाए, समवाय को स्थापित किया जाए। तो निश्चित रूप से एक सामाजिक स्तर पे धम्म नीति को लागू करने का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी धम्म महामात्र पे दिया गया। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे युक्तक हैं, प्रादेशिक हैं, रज्जुक हैं, ये सारे नाम आपको अशोक के अभिलेखों में मिलेंगे, युक्तक, प्रादेशिक और रज्जुक। इन अधिकारियों से यह अपेक्षा की गई कि वो क्या करेंगे कि प्रत्येक पांच वर्ष बाद वो जनता का दौरा करेंगे, साम्राज्य का दौरा करेंगे और ये देखेंगे कि धम्म नीति का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कहीं किसी को गलत ढंग से दंडित किया जा रहा है तो उस पे ये अपना एक्शन ले सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया तो 3 दिनों तक उसे अपने पारलौकिक जीवन को बनाने के लिए क्या करना चाहिए, मोहलत देना चाहिए। और ये जो जितने भी सॉफ्ट कॉर्नर आए वो सब धम्म की नीति के पक्ष में ही आए या धम्म की नीति के कारण में ही आए, यानी आंतरिक नीति पूरी तरह से मोटिवेटेड आपको नजर आ रही है, धम्म नीति से आ रही है। क्लियर है? आइए आपको बताऊं, उसने कुछ धम्म यात्राएं भी की। धम्म यात्रा, अशोक की धम्म यात्रा, जैसे उसने गया में किया, लुम्बिनी में गया, सारनाथ गया, और जाहिर सी बात है अगर शासक धम्म यात्राएं कर रहा है और उन धम्म यात्राओं के दौरान धम्म की नीति के तत्वों की बात अगर कह रहा है तो जाहिर सी बात है लोग क्या होंगे, आकर्षित होंगे, लोग जानेंगे, यह भी प्रचार प्रसार का एक माध्यम होगा। यही नहीं, इन धम्म यात्राओं के साथ ही झांकियां निकलवाई गईं, है ना, और यहां तक कह दिया गया, हालांकि स्वर्ग नरक की जो अवधारणा थी वो
हिंदू मैथोलॉजी की थी, उसने यह कह दिया कि अगर धर्म नीति का अगर हम पालन करते हैं तो निश्चित रूप से सुख की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और आप जानते हैं कि स्वर्ग की जो प्राप्ति है वो इंडियन मैथोलॉजी में क्या है, सबसे चरम लक्ष्य की मानी गई है, माना गया है। तो आम जनता को समझाने के लिए, स्वर्ग नरक कुछ है नहीं, लेकिन आम जनता को समझाने के लिए उसने यहाँ तक को रिलेट किया कि आप अगर धम्म की नीति का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से क्या होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो ये सारे प्रयास किए गए, ये इंटरनल पॉलिसी पे थे, आंतरिक स्तर पे थे। और आपने देखा विजय की नीति को छोड़ ही दिया गया था, अब सारे अधिकारियों से धम्म नीति के इम्प्लीमेंटेशन की अपेक्षा की गई थी। ठीक है, ये तो आंतरिक मामले में था। बाह्य नीति में अगर आप देखेंगे तो सीधी सी बात है कि जो 13वां शिलालेख है, पुरातात्विक साक्ष्य है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, 13वें शिलालेख में उसने क्या किया कि 5 राजाओं के एकदम नाम लिखने की जरूरत नहीं है कि 5 विदेशी या यूनानी राजाओं के राज्य में दूत भेजा। चलो यहां तक तो ठीक है, क्लियर है। लेकिन यह भी दावा किया, इन जगह पे भेजा तो जाहिर सी बात है इसका कहना था कि इन लोगों ने धम्म की नीति को स्वीकार किया, यूनानी राजा थे। साथ ही साथ यह भी दावा किया कि जिस देश में राजदूत नहीं गए वहां लोगों ने खुद स्वीकार कर लिया। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, यह आलोचना की बात हो जाएगी। 13वें शिलालेख में यह उसका दावा है, क्लियर है। सीधे सीधे वो कहता है, अपने पड़ोसी राज्यों को संबोधित करते हुए कहता है कि आप निश्चिंत रहें, आपको हमसे सुख ही मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात करना शुरू किया। अगर आप देखें इस बात को, हम यहां लिख दे रहे हैं या आप लोग दिमाग में रख लीजिए इस बात को कि अशोक की यह जो धम्म नीति थी विदेशों के संदर्भ में, जाहिर सी बात है साध्य और साधन दोनों की पवित्रता की बात करती थी। अशोक की जो विदेश नीति थी वो साध्य आबलिक साधन, कलर बदल दे रहे हैं जैसे ध्यान में रहे आपके, साध्य और साधन की पवित्रता दोनों पर ध्यान देती थी, साध्य एवं साधन की पवित्रता। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर थी, आप ये भी कह सकते हैं, साधन की पवित्रता पर बल देती थी। और ये यू टर्न था कौटिल्य से, कौटिल्य की नीति से विक्षेप हम मानते हैं, इसे नीति से विक्षेप मानते हैं। क्यों? क्योंकि कौटिल्य की नीति साध्य पर बल देता है, साधन पर नहीं। साध्य मिलना चाहिए चाहे किसी भी तरीके से मिले। तो यहां पर विदेश नीति में भी हम धम्म नीति के प्रभाव को देखते हैं, क्लियर हो गई बात। तो इन इतने प्रयासों के द्वारा धम्म नीति के प्रचार प्रसार के प्रयास किए गए, क्लियर है। तो जाहिर सी बात है अब आपसे यह प्रश्न जो लाजिमी है उठना कि क्या इसके बाद भी जो धम्म का जो प्रसार हुआ, इस प्रचार प्रसार के बाद क्या यह धम्म की नीति सफल रही या किस सीमा तक सफल रही? तो जाहिर सी बात है बहुत ही चर्च, बड़ा कठिन है इसका मूल्यांकन। क्या ये हम लोग चर्चा करें कि धम्म नीति क्या सफल रही या असफल? असफल। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अशोक के समय इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। हम पहली बात की बात कहते हैं कि वास्तव में अगर देखा जाए तो धम्म नीति को उतनी अधिक सफलता नहीं मिली जितना कि इस पे लक्ष्य टारगेट किया गया या जितना कि इस पे क्या कहते हैं कि जोर दिया गया था। क्यों? इसलिए देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि जो रिज डेविड महोदय हैं, चलिए बाहर से ही देख लेते हैं, रिज डेविड
बहुत ही फेमस इतिहासकार हैं, रेज डेविड्स ने अशोक के दावों को खारिज किया है और दावों को खारिज क्या खिल्ली उड़ाया है, आप ऐसे कह सकते हैं। खारिज तो हमने फिर भी ठीक लिखा, खारिज किया है, खास करके 13th शिलालेख वाले पार्ट को। उन्होंने कहा कि उस समय का जो यूनानी इतिहास था वो राज्यों के बीच परस्पर इतिहास संघर्ष का इतिहास था, तो एक दूत के कहने पर राज्यों ने युद्ध छोड़ दिया, ऐसी कल्पना करना ही गलत था और वास्तव में धम्म की नीति का लोगों ने पालन नहीं किया विदेशों में। और इसको तो राजकीय प्रलाप कहा, मतलब अपने आप ही मोगाल बजाना कहा कि जिन राष्ट्रों में दूत नहीं गए वहां पर स्वयं उन्होंने उठा लिया। हमने वहां भी इंडिकेट किया था कि अशोक का जो यह दावा था थोड़ा सा तथ्य से आगे जा रहा है और उसे स्वतंत्र पुष्टि आप नहीं, स्वतंत्र साक्ष्यों से पुष्ट नहीं कर सकते कि क्या वास्तव में धम्म नीति जो है अपनाई गई अन्य देशों में। तो निश्चित रूप से इस दृष्टि से तो हम कह सकते हैं कि बाह्य स्तर पर कोई बहुत विशेष सफलता नहीं मिली जैसा कि 13वें शिलालेख में दावा किया गया है। लेकिन आपको बता दूं इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है और वो ये है कि श्रीलंका का एक उदाहरण हमें पता है। श्रीलंका का जो राजा तिश्य था, तिश्य की उपाधि थी देवानाम प्रिय, और ये किसकी उपाधि थी, अशोक की भी थी। यानी इस तिश्य ने अशोक के अनुकरण पे देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की और श्रीलंका में बोध वृक्ष भी बनाया, बोध वृक्ष प्रतीकात्मक रूप से लगाया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि श्रीलंका में तो कम से कम धम्म की नीति का प्रभाव तो रहा ही रहा है ना। तो लेकिन जो पूरा दावा है वो बुरी अच्छे से सफल नहीं रहा। दूसरी चीज, जहां तक हमारा मानना है आंतरिक स्तर पे भी यह नीति सफल नहीं रही। थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड लग रहेगा लेकिन जानिए, तर्क सहित जानिए, आंतरिक नीति आंतरिक स्तर पर भी सफल नहीं रही। कहेंगे सर क्यों आप ऐसा कह रहे हैं, आंतरिक स्तर पर भी सफल नहीं रही। इसलिए कह रहा हूं, कोई भी पॉलिसी सफल तब मानी जाती है जब या तो अपनी समस्याओं का समाधान पूरी तरह से कर दे, ऐसा नहीं रहा, धार्मिक तनाव और अन्य सारी चीजें रही ही। दूसरी चीज, अगर आप देखेंगे जैसे मुगल काल में आप देखिए राजपूत नीति में आपको निरंतरता दिखाई देती है, अकबर जहांगीर शाहजहां, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। लेकिन धम्म नीति को उसके उत्तराधिकारियों के द्वारा नाम भी नहीं लिया गया। अगर स्टेट की कोई पॉलिसी बहुत सफल रही है तो निश्चित रूप से उसके उत्तराधिकारी उसको तिलांजलि नहीं दे देंगे। लेकिन अशोक के धम्म नीति की चर्चा आगे आप देखेंगे कि किसी भी उत्तराधिकारी के द्वारा नहीं की गई। तो यही ये शो करता है कि आंतरिक स्तर पर भी सफल नहीं रही थी। लेकिन आपको बताऊं इसमें कोई दो राय नहीं, और एक मनोविज्ञान भी समझने की जरूरत है कि जब अशोक और उसके अधिकारी बार बार जनता के बीच में जाते थे और ये कहते थे कि धम्म का अनुसरण करिए, तो आप एक ही चीज को बार बार कहेंगे, दही हमारी बहुत मीठी है, दही हमारी बहुत मीठी है, तो लोग जरूर प्रश्न कहेंगे कि ज्यादा कह रहे, लग रहा है कुछ गड़बड़ है इसमें, है ना। और वैसे भी लोगों ने धम्म और धर्म में अंतर नहीं समझा और धर्म का मामला बहुत ही संवेदनशील होता है, और इसलिए बार बार कहने के बावजूद भी धम्म नीति के प्रति लोगों में संदेह आया और उन्होंने व्यापक रूप से इसे स्वीकार नहीं किया। क्लियर है, यानी अशोक की धम्म नीति आप कह सकते हैं कि उतनी सफल नहीं रही। लेकिन एक बात बताऊं, एक बिंदु ऐसा आता है कि जहां सफलता और असफलता के मायने बदल जाते हैं। यह प्रश्न ही नहीं तार्किक है कि अशोक का धम्म नीति कितनी सफल रही या कितनी नहीं सफल रही, बल्कि मुख्य मुद्दा यह है कि अशोक ने
उन सिद्धांतों का प्रणयन किया जो आगे चलकर के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल सूत्र बना। अगर आप देखेंगे तो इतिहास के पन्ने खून के धब्बों से रंगे हुए मिलते अगर अशोक जैसा शासक नहीं मिलता। कम से कम उन खूनी के पन्नों के बीच मानवता का संदेश, शांति और सह अस्तित्व का संदेश अशोक ने दिया, वो निश्चित रूप से इसके लिए जाना जाना चाहिए। क्लियर है? और आपको बताऊं, जियो और जीने दो का जो उसका सिद्धांत रहा, आगे चल करके उसी सिद्धांत पर आपने देखा कि यूएनओ में रखा गया। क्लियर है? यूएनओ की स्थापना भी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के आधार पर ही है। तो आप कह सकते हैं इन मूलभूत सिद्धांतों को भले ही तत्कालीन समय की जनता नहीं समझ सके, लेकिन उससे इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये इन सिद्धांतों में कहीं कोई कमी थी या इन सिद्धांतों का महत्व कम हो जाता है। क्लियर है? तो निश्चित रूप से हमें इस मानक पे, इस स्टैंडर्ड पे आंसर को ले आकर के रखना है। तो ध्यान में आ गया कि अशोक की जो धम्म नीति थी वो सफल थी या नहीं थी। क्लियर हो गई बात? अब आइए हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि क्या अशोक की धम्म नीति मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए भी कारण रही। हालांकि इसकी चर्चा हम लोग पतन में करेंगे, लेकिन धम्म नीति के इतने डायमेंशंस में जरूर हमें इस बात की चर्चा करना चाहिए कि पतन में भूमिका थी या नहीं थी। इसको दो संदर्भों में देखने की जरूरत है। पहली बात कि पतन में भूमिका कहां तक थी और कहां तक नहीं थी। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि राज्य की प्राथमिकता बदल दी गई, राज्य की प्राथमिकता बदल दी गई। और जब प्राथमिकता बदल दी जाएगी, भेरी घोष नहीं होगा, विजय नहीं होगा, तो प्राथमिकता बदल देने की वजह से राज्य की सैनिक शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इतना तो श्योर है, लेकिन इसके बावजूद हमें कुछ बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है। वो ये कि ऐसा नहीं था कि अशोक ने सेना कम कर दी थी। अशोक के समय में भी सेना पर्याप्त थी, संगठित थी, यहां तक कि मृत्युदंड भी दिए जाते थे। यानी सैनिक शक्ति से उसने केवल कोई समझौता नहीं किया था। दोनों पक्षों को ध्यान में रखना है कि एक तो प्राथमिकता बदलने से निश्चित रूप से सैनिक शक्ति प्रभावित हुई होगी, लेकिन इसके बावजूद आप ये कह सकते हैं कि अशोक की धम्म नीति किसी कमजोरी की परिचायक नहीं थी। उसकी सैनिक क्षमता वही थी। उसने पूरे उसके समय में कोई भी क्षेत्र विद्रोह नहीं हुआ, पूरा राज्य मौर्य साम्राज्य में था, है ना? तो निश्चित रूप से हम इसे अशोक को पतन के लिए जिम्मेदार नहीं मानते। खैर, जब हम चर्चा करेंगे कल की क्लास में इस बात को चर्चा करेंगे, पहले प्रशासन की चर्चा करेंगे, फिर हम पतन की बात करेंगे। लेकिन यहां पर फिलहाल हम इस बात को कहते हैं कि सीधे अशोक की जो धम्म नीति है वो मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार हम नहीं ठहरा सकते उसको। क्लियर है? वास्तव में हुआ क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य की लौह रक्त एवं लौह की नीति का विकल्प धम्म नीति के रूप में खोजा किसने? अशोक ने। अब जब धम्म नीति असफल हो गई तो यह उसके उत्तराधिकारियों की असफलता थी कि ना तो वो रक्त एवं लौह की नीति को प्राप्त कर सके, ना वो धम्म नीति का अनुसरण कर सके, और ना ही किसी ऐसे वैकल्पिक नीति का निर्माण कर सके जो कि मौर्य साम्राज्य को क्या कर सके? संगठित कर सके। इसलिए हम अशोक की धम्म नीति को सीधे मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण नहीं मान सकते हैं। हाँ, कारणों के समय जो कारण थे पतन के, वो कई कारण थे, व्यापक कारण थे, उनकी चर्चा हम लोग जो है मौर्य साम्राज्य के पतन के संदर्भ में करते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर कल की क्लास में हम मौर्य प्रशासन के विविध पहलुओं पर चर्चा करेंगे। काफ़ी उस पर रिसर्चे जा चुके हैं तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।